तो गाइस गुड मॉर्निंग, हम निकल गए अभी बालीजूरी से। फाइनली जो राकेश भाई के घर पे कल आए थे, और अभी यहाँ से हम लोग निकल गए तेजपुर के लिए। अपना इधर बाइक पूरी तरह से रेडी है, देख सकते हो। बैकपैक मतलब टैंक बैग मैंने बना लिया, इसका टैंक बैग नहीं है पर टैंक बैग मैंने इसको बना लिया है। सब कुछ रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। अभी बस यहाँ से निकलता हूँ। 35 किलोमीटर है तेजपुर। बस मैंने फ़ोन को मतलब अभी मैप थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ से रास्ता जो है मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए मैप को थोड़ा सा देख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से भी निकलता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं मोटा ब्लॉक पे। अब ग्लव्स को लगा लेते हैं और चलिए यहाँ सब सीधे निकलते हैं। अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि अभी तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं हूँ जीतू सिंह, आप देख रहे हैं जीतू जी ब्लॉग। और आज का वीडियो भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, स्किप मत करना। फिलहाल आप एक मतलब कमाल का व्यू देख सकते हो गाइस, देख सकते हो चारों तरफ। मतलब मैं हमेशा चारों तरफ ही क्यों बोलता हूँ, दोनों तरफ देख सकते हो गाइस। मतलब टी गार्डन है, इधर भी टी गार्डन है, और मतलब एक मतलब शुद्ध हवा मिल रहा है हमको, प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही मस्त जगह पे है, प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसे सिटी में भाई ये सब नसीब नहीं होता। ठीक है, और गाइस ये बता दो कि अभी जो है गर्मी का सीजन है, गर्मी पड़ रहा है, लेकिन इस साइड में मतलब ठंड है। ठीक है, जिस साइड में ठंड है, दिन में ठंड नहीं लगता पर रात को ठंड लगता है, लग रहा था कल में, तो मैं बता दिया आप लोगों के साथ। अभी यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा तेजपुर आया था कल बालीपाड़ा होकर, लेकिन अभी जाऊँगा मैं मानसिरी होकर सीधा बोरघाट सेंटर निकलूँगा। इधर का रास्ता जो है मतलब वो उतना ठीक नहीं है, मतलब इधर का रास्ता थोड़ा ख़राब है, मतलब पूरा प्लेन नहीं है रास्ता। ये रास्ता जो है ये मतलब थोड़ा अप डाउन है। और गाइस फोन का आगे माउंट करने से हेलमेट जो है बाइक तो क्या ही खतरनाक भाग रहा है यार। मतलब कल दो लोग थे ना, तो अभी ये अकेले है तो बाइक में लोड कम है, तो बाइक मतलब थोड़ा सा थ्रॉटल देने पे ही मतलब बहुत ज़्यादा भाग रहा है। फिर से मिल गया टी गार्डन, और अभी जो है सनलाइट आगे से पड़ रहा है, सनलाइट आगे से, तो वीडियो का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो टी गार्डन के अंदर आप देख सकते हो येलो येलो कुछ पेपर दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, वो क्यों लगाते हैं ये तो अभी तक मुझे भी नहीं पता चला। ये शायद कीड़े, जो कीड़े होते हैं ना उनको चिपकाने के लिए, उसमें मतलब कुछ लगा हुआ होगा जिससे कीड़े उसमें चिपक जा रहे हैं। मतलब जो चाय की पत्ती, अभी छोटी छोटी पेड़ है वो बड़ा हो, मतलब अभी कीड़े जो है खा के उसको ख़राब ना करे, इसलिए वो येलो येलो पेपर में लगा देते हैं ताकि कीड़े उसमें जाकर चिपक जाए और नुकसान ना हो उनका कुछ भी। गाँव में आने का मज़ा बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा है, गाँव में आने से मज़ा ही कुछ अलग है। सिटी में कितना रहेंगे, सिटी में रह रह के भी बोरिंग लग जाता है, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनको सिटी में जाने का, मैं खुद ही मैं जब गांव में था तो मुझे सिटी में रहने का शौक़ था, और अब जब सिटी में रहता हूँ तो वैसे भी मुझे गांव में रहने का शौक़ है। मतलब आदमी का जो शौक़ होता है वो कभी भी एक नहीं होता, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ऑफ रोडिंग में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। वाह, हैंडल को छोड़ के मैंने हेलमेट का जो हुक होता है उसको लगा लिया है, आगे वाला बंदा भी दिख रहा था कि भाई क्या कर रहा है ये। सो ऐसा कभी तभी करे जब आपका एक्सपीरियंस हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मैं कर पाऊँगा और आपका बाइक जो है डिसबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी करे, और ऐसे ओवर स्पीड में तो कभी ना करे, मीडियम स्पीड में करे, खाली जगह पर करे। गाँव एरिया है, आपको पता होगा गाँव एरिया से जब कोई भी देखता है ऐसे मतलब कैमरा वगैरह लगा के जाते हैं, ग्लव्स वगैरह बैग वग बांध के, तो लोग बहुत ही ध्यान से देखते, सोचते कि कौन है क्या है, मतलब कुछ अजीब सा सोचते हैं ना। देखिए आपको भी दिख रहा होगा, कोई अगर छोटा बच्चा अगर देख रहे हैं आगे से, तो बड़े लोग भी अगर देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या कर रहा है बंदा, मतलब कैसे देखते हैं ये, देखना अभी अभी देखना, ये लोग देखेंगे हमको, देख रहे हैं, देखिए ये देखिए क्या ये मतलब मतलब उनको पता नहीं होता है ना, काफ़ी उनको तो पता नहीं कि मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ, मोटो ब्लॉग होता क्या है ये भी नहीं पता है। बाई चांस अगर कभी वीडियो उनको दिख जाएगा तो बोलेंगे अरे उसको तो मैंने देखा था, अच्छा वो वही बंदा है ना, ऐसा होता है। बाद मतलब ऐसा लगता है कि उतरूँ ना, चलते रहूँ, बस चलते चलो। अभी बाइक जो इतना गंदा हो गया गाइस, कल मैं धुलाई करके लाया था पूरा साफ करके, और अभी बाइक को आप देखोगे तो कहोगे कि 5 साल पुराना। तो गाइस अभी मतलब मेरा जीपीएस का थोड़ा ज़रूरत था, इसीलिए फ़ोन को आगे में लगा लिया था। तो अभी यहाँ पर आते आते एक मस्त सा प्लेस दिखा, तो मैं सोचा आप लोगों को यहाँ का जो इस नज़ारा
दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और एक बात बता दूँ कि अभी अभी मुझे कॉल आया था अमेजोन वाले से, क्योंकि मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं, सोच रहा हूँ, पर मैं ऑर्डर करके भूल गया था कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो अभी मतलब कल आने वाला था शायद, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था, तो वो आज आ गया। मैंने दोनों में ऑर्डर कर दिया था, फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में, तो फिर मैं घर में फ़ोन करके बोल दिया उसको रखने के लिए। तो अभी वो फॉग लाइट को जाके लगाएंगे और आपको दिखाएंगे क्वालिटी कैसा है, क्या कुछ है, ठीक है। चलिए अभी एक बार यहाँ का जो व्यू है उसका आप मज़ा लीजिए। इस तरह का व्यू है, देख सकते हो गाइस, वाओ। इसको जिया भोरली बोलते हैं और ये जिया भोरली है, देखो क्या ही मस्त है, पूरा पानी का। और यहाँ पर जब गाड़ी आ रहे तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये हिल रहा है, ये ब्रिज जो है बहुत ज़्यादा हिल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रहा है, तो मैं आप दूसरी साइड एक बार जाके दिखा देता हूँ, देख सकते हो गाइस, वाओ। तो वो जो ब्रिज है, हाँ, वो जो ब्रिज है उधर से मतलब ट्रेन जाता है, तो वो ट्रेन जाने के लिए गाड़ी इतना पास से आ रहा है कि मुझे भी डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत ही स्पीड में आ रहा है। तो वो जो ट्रेन जाने वाला देखते तो उधर भी एक मस्त यहाँ पर व्यू मिल रहा है। और अभी हेलमेट अभी थोड़ा आगे जाके लगाएंगे, बाकी इधर का बस यहाँ का ये व्यू आपको एक बार बैक कैमरे से। तो गाइस इधर का इधर मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है और देख सकते हो आप लोग ज़्यादा स्पीड इधर अभी पहुँच ही गए, ज़्यादा नहीं है अभी, बस 10-12 किलोमीटर है और जाके सीधा अभी मतलब अभी क्या है कि आज मतलब इलेक्शन है यहाँ पे तेजपुर में सारी जगह, और अभी हमको भी वोट देने जाना पड़ेगा। किसको वोट देंगे अभी ये तो वीडियो में नहीं बता सकते, ठीक है, ये वीडियो में अगर बता देंगे तो बवाल हो जाएगा, समझ सकते हो। वीडियो तो हर कोई देखेगा, कोई भी देखेगा, इसीलिए वीडियो में तो नहीं बता सकते किसको दिया। पूरा गांव एरिया है इधर में और देख सकते हो इधर मतलब क्या ही देख सकते हो, मतलब कुछ काफ़ी छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, ज़्यादा लंबा है सब लोग ना, ज़्यादा मतलब वो स्लिप हो रहा है, पत्थर है टुकड़े टुकड़े और गाड़ी भी डिसबैलेंस हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इधर के रास्ते अभी तक बनवा ही नहीं, बहुत दिन पहले बन रहा था, कहा है कि आगे का रास्ता ठीक है पर आगे का पता नहीं यार क्या है। और गाय खेत देख सकते हो गाइस, खेत ही खेत है, गाय है, इधर भी एक छोटा सा पुल है, नदी है, ओह माय गॉड इट इज़ वेरी बैड। तो ऐसा ऐसा होता है, हम लोग सच नहीं हुआ, सपना कभी सच ही नहीं होता है। देखा कि इधर मैं सोचा मैं अच्छा रोड होगा लेकिन नहीं है, थोड़ा सा ठीक है, उधर से उधर मतलब पत्थर ज़्यादा है, इधर पत्थर कम है बस। ओ भाई इतने बड़े बड़े पत्थर, बहुत ज़्यादा स्किड करता है यहाँ पे, मतलब इस पत्थर पे ब्रेक भी काम नहीं करता है, तो थोड़ा सावधानी से जाना पड़ रहा है। और अपना जो गाड़ी है भाई मतलब थोड़ा सा डिस्बैलेंस, मतलब थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो जाए तो इसको रोक नहीं सकते, गिर ही जाता है। अभी तक दो बार गिर चुका है, आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया हुआ है, एक बार गिरा था गाइस तेजपुर जब मैं और फर्स्ट टाइम आया था बाइक लेके, और सेकेंड टाइम गिरा था जब गाँव की गया था वहाँ पे। वाओ क्या ये रोड है, अच्छा होता है कि मैं बालीपाड़ा होकर चला जाता गाइस, अब तक पहुँच गया होता जितना भी दूर है, पहले पता होता तो उधर से गया था, मैं सोचा इधर का रोड अच्छा होगा, लगता था अपन पहुँच गया और घाट जिसको प्यार से कहते हैं देवेंद्र नगर। तो गाइस अभी हम पहुँच गए कमाल की प्लेस पे, देख सकते इधर भी चाय की पत्तियाँ है, बहुत ही मस्त लग रहा है इधर में, तो मैं सोचा आप लोगों को भी इधर का नज़ारा दिखा दिया। वाओ गाइस पूरा हरा भरा, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ पे आके, बस इधर का व्यू आप लोग थोड़ा देख लीजिए और वीडियो का भी यही पॉइंट करेंगे। कीचड़ है, बाइक फ्लिप ना कर जाए। बहुत दिन पहले मैं इधर आया हुआ हूँ लेकिन आज अभी नहीं लग रहा है कि इधर मैं कभी आता था, तो मतलब पूरी तरह से चेंज हो गया है। और इधर का रास्ता है कि नहीं ये पता नहीं, शायद नहीं नहीं है, इधर का रास्ता नहीं है।
आते आते जो है फाइनली मैं लोकेशन पर पहुंच ही गया। मतलब लोकेशन बस यहाँ से थोड़ा सा दूर है, बस मेरे को इधर में जाना है अभी। और उधर मैं ज़्यादा मोटो ब्लॉग नहीं किया क्योंकि देखा है गाइस, आप लोगों को दिखाया था मैंने कि कितना ज़्यादा ऑफ रोडिंग इधर भी, इधर बहुत कम है लेकिन उधर बहुत ज़्यादा था, गाड़ी आ रही थी और मतलब इतना ज़्यादा धुला, मेरा जैकेट आप देख सकते हो अगर कैमरे में दिखाई दे रहा हो तो, पूरी तरह से पूरा वाइट हो गया है अभी, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है, पूरा वाइट हो गया है धूला लग लग के। तो बस इधर का कुछ इस तरह का व्यू है, देख सकते हो पूरा ग्रीन ग्रीन चारों तरफ, वाओ। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ भी, और चैनल को नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू। देख लो एक बार व्यू, वाओ, वो भाई साहब पूरा हरा भरा, हरा भरा क्या मस्त है, सिर्फ चाय की पत्ती है सब, चाय की पत्ती है।